डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रॉड्रिग्स 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में करीब 27,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने रेलवे और सड़क क्षेत्र की कई अन्य परियोजनाओं के साथ साथ बस्तर के नगरनार में NMDC के ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बिजली, रेलवे और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के उत्कल विश्वविद्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में भाग लिया और स्वतंत्रता सेनानियों की सूची वाले एक स्मारक पट्टिका का अनावरण किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा आयोजित 4th राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव 2023 उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुआ। भारत ने 19वें एशियाई खेल हांगझू में 10वें दिन आज शाम 4 बजे तक बॉक्सिंग में 2 कांस्य और पुरुषों की कैनो टीम ने 1 कांस्य पदक जीते।